So right now I'm inside the lane to reaching Sichuan Monastery. This is behind the Badrinath Temple. So finally I reached to this monastery Sichuan. It's been behind the Badrinath temple here. It's just like 500 meters from inside the temple. And the same ticket you can be back. This is the entrance gate here. Very cool place is this. I love the Sichuan monastery. It's so good architecture of art and culture of Buddhist. Wow, it's so amazing. Excuse me. It's running. This is amazing. This so lovely monastery I'm watching over here. That's one of the great art of Buddha. Finally, I reached to the information center of this monastery in Sichuan. This so lovely place. I meet some head person from Sichuan Monastery. He's an official from here. So he gonna be tell us about some information about the monastery. So may I know your name? My name is Jimmy Dorje. He is Jimmy Dorje from Sichuan Monastery. So sir, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे मतलब कैसे क्या चलता है? ये monastery कितनी पुरानी है? ये monastery लगभग अभी 85 से ही 1985 से क्या हुआ है? अभी ये नेपाल में तो जब ये मोनास्ट्री का जो जो नेम है नाम है वो तो टिबेट में ही पहले से हुआ है. मतलब ये टिबेटन मोनास्ट्री है. टिबेटन मोनास्ट्री है. अभी टिबेट में लगभग 300 साल पहले शुरू किया हुआ मोनास्ट्री है. अभी टिबेट के बाद यहाँ पर हम 1985 से. सो ये मोनास्ट्री 1985 से है, बट 1985 से पहले 300 इयर्स पहले से ये मोनास्ट्री थी यहाँ पे. यहाँ पे नहीं, टिबेट में. टिबेटियन में, लाइक जो इंडिया के पार्ट है. टिबेटियन पार्ट ऑफ इंडिया. टिबेट में ही है. टिबेट में. दैट्स नियर अरुणाचल प्रदेश. नो इट्स अ खम. टिबेट खम. ओके, द नेम ऑफ प्लेस इज टिबेट खम, व्हिच इज बीन ओरिजिनेटेड 300 इयर्स अगो. दिस मॉनेस्ट्री इज फ्रॉम 1985, सो लाइक अप्रोक्स 19 प्लस 15 लाइक 33 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री हियर इन नियर काठमांडू. So can you tell something about like people, as like I'm a normal person, I can roam. So what is that difference between me and you, that your person living in monastery and we are living in our house? So kya differences hai, can you talk? Abhi isme to difference hai, bahut difference hota hai, kyunki hum jaise main jo hai, main things aapke hain jo yahan pe aap log rehte hain, ghar se bahar rehte hain, apne family se, to usme kya hindi mein bhai बात करें तो इसका नाम है साइनेसी बोलता है. साइनेसी यहाँ की लैंग्वेज है. नहीं हिंदी में बोलता है ना सन्यासी. ओके, सन्यासी. सन्यासी लोग जो घर से निकल गए. हम लोग ऐसे जैसे इंडिया में बाबा लोग रहते हैं आचार्य, क्योंकि हम लोग तो ये आपका बौद्ध जो धर्म है उसमें आपको सन्यासी बोलते हैं. यहाँ पर रहता है, यहाँ पर घर के बारे में कुछ भी सोचता नहीं है, फैमिली के बारे में सोचता नहीं, सिर्फ हम लोग के अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर रहता है. तो जैसे कि आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी मॉम एंड डैड होंगे, तो आप उनसे दूर कैसे रह पाते हैं?
लाइक अगर मैं मेरी मॉम से आया तो मैं रोज बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, बट आप कैसे रह सकते मतलब रह पाते हैं यहाँ पे मॉनेस्ट्री में? अभी मॉनेस्ट्री में रहने के लिए ये अब हम लोग की जिंदगी है ना, माँ बाप है, भाई बहन है, इसके साथ अटैचमेंट होता है हम लोग को, ये अटैचमेंट तो एक हम लोगों ने क्या बोलते हैं अभी सॉरी मतलब जो लगाव है वो छोड़ दिया आपने अभी, ये तो जैसे भी क्या अभी बाद में ये सब तो खत्म होना ही है। मतलब आपको ऐसी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, यहाँ भी दी जाते बाद में माँ बाप भी हमको छोड़ के जाता है, भाई बहन भी हमको छोड़ते जाता है, तो क्यों ना हम पहले से इसको मान के हम मन की शांति के लिए यहाँ पर इसलिए हम लोग मतलब आपको दुनिया में क्या हो रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं, आप भगवान के साथ ज्यादा रहते हैं। भगवान के साथ हम जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हम लोग मन की शांति के लिए यहाँ पर रहते हैं। अपने मन की शांति कैसे पाऊँ अभी हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस कैसे? तो जैसे कि अभी आप मॉनेस्ट्री में रहते हैं, आप जॉब तो नहीं करते होंगे? नहीं नहीं। तो इसका खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का यहाँ पे? यहाँ खर्चा हम लोग अभी गवर्नमेंट देती है? नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं देता हम लोग, आपका संस्था है? संस्था भी है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग भिक्षा भिक्षा मांगता है लोगों से, भिक्षा मांग के हम लोग यहाँ पर ऐसे हम लोग भिक्षा भी इसके नाम पर मांगते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैसे ही खा के रहते नहीं, हम लोग शिक्षा के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग शिक्षा का फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी जो आपने सुना होगा इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, अभी विक्रमशिला फतेंद्रपुरी से, ऐसा ही बहुत साल पहले इंडिया में बहुत हुआ करता है ऐसा ही यूनिवर्सिटी। तो अभी तो वहाँ पर तो नहीं है, तो ऐसा ही यूनिवर्सिटी अभी हर जगह पर हम लोग मोनास्ट्री ऐसा देखा देने के लिए मोनास्ट्री जैसे, लेकिन इसके अंदर बहुत ऐसा ही शिक्षा लोग हम लोग। तो जैसे कि मैंने देखा है कि इंडिया में भी हमने अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत रीजन में मोनास्ट्रीज को बहुत सारे काफ़ी हमने देखा है नज़दीक से, तो ये मोनास्ट्री और वो जो इंडिया में मोनास्ट्रीज है बोथ आर द सेम थिंग? सेम सेम सर, या एवरीथिंग आर द सेम एट द बोथ ऑफ प्लेसेस? यस यस। ओके फाइन, सो here is the person, he gave me such a lovely information about the monastery. It's my first time to visiting monastery and we're here in Kathmandu. I'll surely visit the different monastery in Kathmandu as well as in India. So there is no difference between India and Kathmandu. So love this people from Nepal as well. And Nepal and India have the same culture. We have same religious for Hindu. So nice meeting you, sir. Thank you. It's been an amazing time with this person. So this is how I'm going back from monastery to some another place to explore here. It's been such an amazing time with this guy. I don't remember his name, but he's such an amazing and informative for me. And I highly recommend you to be here for your trip. Whenever you are planning in Kathmandu, you just need to take a bus ride and to reach to Bodha, and you just have to walk for 1 kilometer and you reach to this Sichuan Monastery. It is such an amazing and lovely place. So be here. And I'm heading to explore some more important places because this is my second last day in Kathmandu. Tomorrow I'll be moved to Pokhara. So see you there. Good.
भाई पेपर का तो जुगाड़ कर लिया कहाँ से।